एक बार फिर आपका अपने चैनल आल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं जो गिलास पर जो हमारी फिल्म किस तरीके से लगाई जाती है, इसमें किस तरीके के डिजाइन होते हैं और इंस्टॉलेशन करने का कितना चार्जेस होता है और गिलास पर इसको किस तरीके से लगाया जाता है, तो इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम जो कि हमारी फिल्म है, यानी कि ये फ्रोस्टेड फिल्म है और इसको हम प्लेन ग्लास पर लगाने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम ग्लास के नाप की इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा और प्रिंटेड का भी प्राइस बताऊंगा, सबका मैं प्राइस बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, अभी हमारे दो पीस लगेंगे तो हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और क्या होता है कि गिलास पे जब फिल्म लगाई जाती है तो रबड़ लगाने से पहले ही गिलास पर फिल्म लगा लेनी चाहिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है, अब अगला प्रोसेस है हम इसको किस तरीके से गिलास पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से गिलास को साफ़ कर लेंगे। कोई भी गिलास है आपका, प्लेन गिलास है, लाइट गोल्ड गिलास है, तो कोई भी गिलास है आपको, वट एवर जो भी है, तो उस पर क्या है कि इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं और सफाई करने के बाद उस पर फिल्म इंस्टॉल की जाती है, ताकि क्या हो कि जब सफाई हो जाएगी तो क्लियरिटी अच्छे तरीके से नज़र आएगी। अब यहाँ पर आप अगर गंदे शीशे पर ही लगा देंगे, सफाई अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों अगर इस फिल्म की बात करें तो लगभग जो हमारी जो फिल्म लगाने के जो चार्जेज होते हैं वो लगभग 30 रुपये स्क्वायर फीट में होते हैं, चाहे आपकी ब्लैक फिल्म है, लाइट गोल्ड फिल्म है, फ्रोस्टेड फिल्म है, कोई भी फिल्म है। यहीं पर आप अगर प्रिंटेड और अच्छी कंपनी की फिल्म लगवाते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो हमारा 50 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस होता है। पर उसको हम अगर ज़्यादा बड़ा काम होता है तो 45 रुपये स्क्वायर फीट में भी उस काम को आसानी से कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जो कि हम फिल्म लगा लेते हैं, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा बड़ा हो चुका है तो इसको काट लेते हैं। काटने के बाद हमें क्या है कि देखिए गिलास पर भी जब लगाएंगे तो गिलास पर भी उस पर पानी आपको डालना पड़ेगा और इसकी जो हमारी फिल्म होती है फिल्म पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए फिल्म लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हमारा जो वाइपर होता है, छोटा सा वाइपर होता है, इससे क्या करेंगे, इसको रबिंग करेंगे इससे, यानी कि इससे जो है इसके ऊपर रगड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी फिल्म चिपक चुकी है। अभी थोड़ी सी आगे भी मैं छोटा सा एग्जांपल भी दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद एक छोटा सा पीस और लगाकर दिखाते हैं आपको, ये बिल्कुल एक छोटा सा पीस है जिसको हम लगाकर दिखाएंगे। बड़े पीस में जल्दी से समझ में नहीं आता किस तरीके से फिल्म लगाई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप घर पे आराम से फिल्म लगा सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और दोस्तों आप फिल्म लगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मेल आपको मिल जाता है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लगाकर आपको देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।